नमस्कार दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं। ऐसे में आप लोग बहुत भारी संख्या में पहाड़ों की ओर सफर कर रहे हैं। आज बाइटी भारत पर मैं आपको इंडिया के सबसे फेमस हिल स्टेशन कुल्लू और मनाली का समर वेकेशन का बेहद सस्ता टूर पैकेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में अगर आप इस टूर पैकेज को बुक करवाना चाहते हैं तो ट्रैवल कंपनी का नंबर मैंने दे दिया है, तुरंत जाइए, कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। आप बस PDF मंगवाइए, पैकेज बुक करिए, क्योंकि जितना जल्दी आप पैकेज बुक करेंगे उतना ही मन पसंदीदा वॉल्वो बस में सीट मिलेगी और उतना ही मन पसंदीदा आपको होटल ऑप्शंस भी मिलने वाले हैं। दोस्तों, कुल्लू और मनाली के अंदर सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि रोहतांग पास ओपन हो चुका है। लगभग 30 फीट के आसपास रास्ते में आपको स्नो की दीवारें, बर्फ की दीवारें देखने को मिलेंगी। खास करके रानी नाला के बेल्ट के आसपास आपको 30 से 40 फीट के ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे जो BRO ने काट करके रोड बनाई हैं। आपको टेम्परेचर बहुत कम मिलने वाला है, लेकिन इसमें कुछ सवाल मेरे सामने आते हैं, मैं उनके जवाब जरूर देना चाहूंगा। खास करके ये लेडीज या गर्ल्स सवाल पूछती हैं, किस तरीके के कपड़े कुल्लू और मनाली समर सीजन में, खास करके मई और जून के अंदर ले जाने चाहिए। तो दोस्तों, मई तो आज खत्म हो रहा है, जून आ रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे प्लेन्स में, जैसे अभी हम दिल्ली के अंदर हैं, टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, 52-53 डिग्री, 54 डिग्री के आसपास भी शायद हो जाएगा, बना हुआ है। लेकिन पहाड़ों पर, खास करके कुल्लू और मनाली के अंदर, टेम्परेचर इतना नॉर्मल रहता है कि आपको पंखा चलाने की भी जरूरत शायद पड़ती है। AC तो लगता ही नहीं है, पंखे भी चलाने की शायद आपको जरूरत पड़ जाए। लेकिन फिर भी अगर आप कपड़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नॉर्मल टी शर्ट जैसे मैंने पहन रखी है आप पहन करके माल रोड के आसपास घूम सकते हैं। लेकिन जब आप जा रहे हैं पहाड़ों की ओर, यानी कि रोहतांग पास की ओर, तो आपको कम से कम एक जो है वो टी शर्ट के साथ साथ एक शर्ट और एक्स्ट्रा कैरी करनी चाहिए। वहां पर जाकर के जब आप रोहतांग पास पहुंचे तो अगर आपको लगता है स्नो ड्रेस आपको चाहिए तो वहीं से स्नो ड्रेस और स्नो शूज आप परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और स्नो एक्टिविटी कर सकते हैं। कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि रास्ते में आप ड्राइवर के कहने पर किसी एक डेडिकेटेड शॉप पर जाकर के वहां पर स्नो ड्रेस खरीदें या वहां पर स्नो ड्रेस को रेंट पर लें। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको रेट बताता हूं। वैसे तो रेट आजकल कॉमन हो गया है, 250 रुपए के आसपास आपको स्नो ड्रेस मिल जाएगी और शूज को हमेशा वहीं से लीजिए। लगभग 100 रुपए आपका जमा करना पड़ता है और 100 रुपए के आसपास ही लगभग रेंट होता होगा, या शायद 50 रुपए के आसपास भी कभी भी आपका रेंट वहां पर वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कपड़ों के बारे में जानने के बाद हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आपके साथ छोटे बच्चे भी हैं, जैसे 1 साल से कम के हैं, 6 महीने, 5 महीने, 2 महीने, तो लगभग कितने महीने तक के बच्चों को आप गर्मियों में समर वेकेशंस में आप ले जा सकते हैं, समर सीजन में ले जा सकते हैं। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 5 से 6 महीने कम से कम तक के बच्चों को आप रोहतांग पास जैसी ऐसी साइट पर ले जाइए जहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है। जब आप रोहतांग पास जाते हैं ऑक्सीजन भी कम रहता है, वहां पर आपको प्रॉब्लम होती है क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट आती है, तो वहां पर आप सनस्क्रीन लगा के जरूर जाएं। उसके साथ साथ आप सनग्लासेस जरूर लगा करके जाएं क्योंकि सनलाइट का एक्सपोजर जबरदस्त होता है। मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, पिछले लास्ट दिन पर आपकी वहां पर अच्छी खासी स्नोफॉल, लाइव स्नोफॉल हुई है और आगे भी कभी भी स्नोफॉल का सीजन वहां पे बन सकता है। लाइव स्नोफॉल किसी भी दिन देखने को आपको मिल सकती है, ऐसा प्रेडिक्शन पहले हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाइव स्नोफॉल लगातार बीच बीच में पड़ रही है, आप लाइव स्नोफॉल का भी दीदार कर सकते हैं। अभी सिर्फ बात हो रही है आपको क्या क्या प्रिकॉशन फॉलो करनी है। तो कम से कम 5 से 6 महीने से लेकर के बच्चे के एबो लेवल तक के बच्चों को आप अपने साथ ले जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप फर्स्ट एड बॉक्स में दवाइयां अपने साथ कैरी करिए जो बच्चों को चाहिए, इसके साथ साथ जो वोमिटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि आपको वोमिटिंग का लेवल ना वहां पर आपको फील हो, तो आप वोमिटिंग के लिए अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब दवाइयों को ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ पेन किलर आप अपने ले जा सकते हैं, इसके साथ साथ आप फीवर की दवाइयां ले जा सकते हैं, इसके साथ साथ जो आपका रेगुलर मेडिकेशन चलता है उसको भी अपने साथ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने बात करी कि आपको कुल्लू मनाली के टूर पर क्या कपड़े इस टाइम ले जाने चाहिए और क्या 5 साल या उससे कम के बच्चों को, कितनी एवरेज तक के बच्चों को आप समर सीजन में ले जा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको रोहतांग पास के खास विजिट के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए और स्नो ड्रेस में कैसे कैसे आप वहां पर ले सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं मोस्ट डिमांडिंग टूर पैकेज कुल्लू मनाली विद रोहतांग पास का, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फर्स्ट डे आप चलेंगे दिल्ली से या चंडीगढ़ से, आपकी वॉल्वो बस को आपको पिकअप करना होगा। कुछ लोग सवाल करते हैं, सर मैं लखनऊ से आना चाहती हूँ,
कुछ लोग सवाल करते हैं मैं गोरखपुर से आना चाहता हूं, कुछ लोग सवाल करते हैं मैं नेपाल से आना चाहता हूं। दुनिया में किसी भी कोने से आइए, पहले दिल्ली पहुंचिए जो सबसे बड़ा बेस स्टेशन है, या आप चंडीगढ़ से भी इस वॉल्वो बस को पिकअप कर सकते हैं। कॉस्ट पैकेज की सेम रहेगी, कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है, क्योंकि दिल्ली से खाली बस की सीटें जाएंगी जो आपको चंडीगढ़ से पिकअप करने वाली हैं। आपकी इस पैकेज के अंदर जो 5 नाइट 6 डेज का पैकेज है, 3 नाइट का अकोमोडेशन मिलेगा आपको मनाली के होटल में, और 2 नाइट आपकी वॉल्वो बस में सफर रहने वाला है। किरतपुर 4 लेन स्टार्ट हो चुका है, कई दिन हो चुके हैं, इसी के थ्रू आपका रास्ता और आसान हो गया है, पहाड़ियां और कम हो गई हैं, आपको बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है इस रूट पर। दिल्ली से जब आप निकलेंगे चंडीगढ़ से होते हुए सीधे पहुंचेंगे मनाली, लगभग 550 किलोमीटर की जर्नी 11 से 12 घंटे का समय लेती है। अगले दिन लगभग आप 6:30-7:30 बजे के आसपास होटल पहुंच जाएंगे। अगर रूम अवेलेबल है तो आपको चेक इन मिल जाएगा, नहीं तो आपको वेट करना होगा। वेटिंग हॉल में आप वेट कर सकते हैं, तब तक अपनी ऑन कॉस्ट पर इस दिन ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट आपका day 3 से वहां पर अप्लाई होता है, जहां पर जाकर के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रेकफास्ट भी मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिनर भी मिलता है, जो पैकेज के अंदर पहले से ही कॉस्ट में इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं आपको, day 2 पर जब आप पहुंचेंगे मनाली, तो सबसे पहले मनाली के प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड से आपका पिकअप होगा। ड्राइवर कम गाइड आपको पिकअप करके सीधे ड्रॉप करेगा जो भी आपने होटल सेलेक्ट किया है। वहां पर आप चेक इन की थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, अगर रूम अवेलेबल है तो चेक इन मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट करिए, उसके बाद 12 बजे के आसपास चेक इन करने के बाद आप रेडी हो जाइए, फ्रेशन अप हो जाइए। 2-2.5 घंटे में लगभग 3-4 बजे के आसपास आपका पिकअप किया जाएगा और मनाली के लोकल साइट सीइंग के लिए ले जाया जाएगा। इसमें हिडिंबा देवी टेम्पल, वन विहार, तिब्बतन मॉनेस्ट्री, तिब्बतन टेम्पल घूमते हुए अगर आप चाहते हैं तो ड्रॉप माल रोड पर ले सकते हैं। माल रोड से आपको अपनी ऑन कॉस्ट पर होटल तक पहुंचना होगा, नहीं तो अगर माल रोड नहीं जाते हैं तो सीधा आपको होटल पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। day 3 जो हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है। इस दिन आप जाएंगे मनाली, सोलांग वैली, रोहतांग पास और अटल टनल भी आपको जाने को मिलेगा इसके अंदर। दोस्तों रोहतांग पास इंडिया के सबसे एडवेंचरस पासिस में से एक है, यहां पर स्नोफॉल लगभग 12 महीने जमी रहती है, बहुत जबरदस्त यहाँ का टेम्परेचर होता है। आप एक बार जाओगे तो हर साल जाने का आपका मन करेगा। मेन स्नो पॉइंट इस वक्त रोहतांग पास बना हुआ है, जहां पर आप स्नो मोटर बाइक्स राइडिंग, जॉर्बिंग, हॉर्स राइडिंग, स्नो स्कूटर, बंजी जंपिंग, जिप लाइन, स्नो बोर्डिंग, केबल क्रॉसिंग, और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो आपको रोहतांग पास घुमाते हुए अंजनी महादेव के भी दर्शन करवा दिए जाएंगे, जो टूरिस्ट पॉइंट होने वाला है। सोलांग वैली भी आप जा सकते हैं इस दिन, इसके साथ साथ अटल टनल भी आप विजिट कर सकते हैं। पूरा दिन घूमने के बाद लगभग 5 बजे आप निकलेंगे रोहतांग पास से, होते हुए सीधे सोलांग वैली, अंजनी महादेव होते हुए वापस आएंगे, सीधे होटल में आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। इसके बाद day 4 पर आपका फुल डे का ट्रिप होने वाला है कुल्लू और नगर का। इस दिन आप कुल्लू भी जाएंगे जो एडवेंचर कैपिटल बना हुआ है, व्हाइट रिवर राफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, व्हाइट रिवर राफ्टिंग करिए, वैष्णो देवी टेम्पल के दर्शन करिए, नेगल कैसल जाइए, इसके साथ साथ नेशनल हैंडलूम ओल्ड हिस्टोरिकल टेम्पल आप घूमिए, और सीधे आप सब कुछ घूमते हुए सीधे आप पहुंचेंगे वापस अपने होटल में, डिनर करेंगे और ओवरनाइट स्टे करेंगे। दोस्तों कुल्लू के बारे में बात करें तो आपको हॉट एयर बैलून भी यहां पर मिल जाता है, आपको पैराग्लाइडिंग भी मिल जाती है, और इसके साथ साथ आप व्हाइट रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं, रिवर क्रॉसिंग भी कर सकते हैं। कुल्लू में सारे ऑप्शन इस वक्त उपलब्ध हैं। इसके बाद day 6 पर आपका बैक टू द दिल्ली का टूर स्टार्ट हो जाएगा। बैक टू द दिल्ली के टूर में आपको सुबह सुबह आप सामान को रेडी कर लीजिए, ब्रेकफास्ट करिए, और उसके बाद निकल जाइए माल रोड पर। माल रोड पहुंच करके आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए कुछ सामान को खरीद सकते हैं, उनके लिए कोई गिफ्ट्स को परचेज कर सकते हैं, और गिफ्ट्स को परचेज करने के बाद सीधे आप अपनी वॉल्वो बस को कैच करिए और कैच करके निकल जाइए सीधे दिल्ली के सफर पर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कॉस्ट क्या रहने वाली है, तो कॉस्ट बेहद कम रहने वाली है। कॉस्ट में अगर हम लोग आपको बताएं तो 1620 से ग्रुप में अगर आप हैं, 16 से 20 लोगों के ग्रुप में हैं, जो कि इस वक्त समर सीजन में मोस्टली लोग जा रहे हैं, तो आपको जो है कॉस्ट पड़ेगी 6,500 रुपए प्रति व्यक्ति। 10 से 16 लोगों के ग्रुप में है 7,350 रुपए प्रति व्यक्ति। 6 से 10 के ग्रुप में है तो 8,890 रुपए प्रति व्यक्ति। 4 लोगों के ग्रुप में है 9,900 रुपए प्रति व्यक्ति। मिनिमम 2 लोगों के ग्रुप में है तो पड़ेगा 10,890 रुपए प्रति व्यक्ति की कॉस्ट कम पड़ने वाली है, जो बहुत ही कम है समर सीजन के हिसाब से। कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, मीट एंड ग्रीट ऑन अराइवल, वॉल्वो बस के टिकट दिल्ली से मनाली, मनाली से दिल्ली के लिए,
आपको एकोमोडेशन मिलेगा 3 नाइट का, जो भी आप होटल सेलेक्ट करते हैं, वेलकम ड्रिंक ऑन अराइवल नॉन एल्कोहलिक, अगर ऑप्शन अवेलेबल है 3 मॉर्निंग टी, 3 ब्रेकफास्ट, 3 डिनर, 1 कैंडल लाइट डिनर, 10% डिस्काउंट ऑन लॉन्ड्री, 1 हाफ डे की लोकल साइट सींग मनाली की आपकी लोकल में, 1 फुल डे की साइट सींग कुल्लू नगर की, 1 फुल डे की साइट सींग सोलांग वैली के साथ साथ अटल टनल की, वॉलो बस में आपको 2 500 ml की बॉटल मिलेंगी, मीटिंग पाउच मिलेगा, और ऑन डिमांड अगर आप चाहते हैं तो ब्लैंकेट भी आपको दे दिया जाएगा। वैसे आजकल गर्मियां हैं, कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। 10 जुलाई 2024 तक इसकी वैलिडिटी है। वीडियो के टाइटल डिस्क्रिप्शन में ट्रेवल कंपनी का नंबर दे दिया है, लेकिन बिना चैनल को सब्सक्राइब करें ना जाएं, क्योंकि आप बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो चार्ज है वो लगातार कम हो रहा है। ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि हम इसी तरह से इंडिया और इंटरनेशनल के अलग अलग डेस्टिनेशन से ताज़ा तरीन पैकेज और जानकारियां आप लोग के लिए लेकर के आते रहें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए, नमस्कार।